भगोड़े अमृतपाल के लिए हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और तमाम देशों में विरोध चल रहा है। अमृतपाल पर हो रही कार्रवाई के लिए हिंदुस्तान के तिरंगे तक का अपमान कर दिया गया। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भिंडरावाला के साथ साथ दीप सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला और अमृतपाल की तस्वीरों को चलाया गया। ये सब किया खालिस्तान के समर्थकों ने, लेकिन अब मैदान में वो नाम आया है जिसे हिंदुस्तान की सरकार आतंकी घोषित कर चुकी है। अब इसने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को धमकी दी है, क्योंकि अमृतपाल की फौज के कुछ साथी जो पकड़े गए हैं उन्हें असम की जेल में रखा गया है। आपको बता दूं कि गुरपंतवंत पन्नू इसमें पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी धमकी दे चुका है। क्या कहा है इसने अपनी धमकी में, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अमृतपाल को पकड़ने के लिए जिस दिन पुलिस ने तैयारी की थी उस दिन अमृतपाल तो फरार हो गया, लेकिन उसके साथ ही पकड़े गए। जिस गाड़ी में उसके साथ ही पकड़े गए थे उनके साथियों के साथ हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था। अमृतपाल के चाचा ने एक दिन बाद सरेंडर कर दिया। अमृतपाल के चाचा सहित करीब 8 लोगों को असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया था। तो ये बात ना तो अमृतपाल को पसंद आई और ना ही उसके साथी संगठनों को। अमृतपाल अब तक 2 वीडियो जारी कर चुका है, लेकिन पंजाब पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पंजाब पुलिस के हाथ कोई सुराग भी नहीं है कि अमृतपाल आखिर है कहां। लेकिन आज बात असम के सीएम की ओर दी जा रही धमकी की। SFJ एक खालिस्तानी आतंकी संगठन है। इस संगठन को और इसके मालिक को भी हिंदुस्तान में बैन किया गया है। अब इसकी आतंकी संगठन ने असम के 12 पत्रकारों को फोन करके असम के सीएम को मामले से दूर रहने की धमकी दी है। वैसे तो यह संगठन अक्सर धमकी देता रहता है और इसका प्रमुख काम धमकी देना और पंजाब की इमारतों पर खालिस्तानी नारों को लिखवाना है। लेकिन एक बार फिर पन्नू ने अपना धमकी वाला हथियार निकाला है। अपनी धमकी में पन्नू ने कहा है कि खालिस्तानी समर्थकों को असम में कैद किया जा रहा है, उन्हें कैद करके प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने आगे कहलवाया कि यह लड़ाई भारत सरकार और खालिस्तानियों के बीच की है, असम के सीएम इसके बीच में ना आए। धमकी में आगे कहा गया कि इस मामले के बीच में ना पड़कर वो हिंसा का शिकार होने से बच सकते हैं। हिमंता बिस्वा सरमा को धमकी देने के लिए असम के करीब 12 पत्रकारों को फोन किया। फोन करने वाले शख्स ने खुद को SFJ का एक्टिव मेंबर बताते हुए ये मैसेज पन्नू ने हिमंता बिस्वा तक पहुंचाने के लिए कहा। धमकी में आगे कहा गया, असम में कैद खालिस्तान समर्थकों को प्रताड़ित किया जा सकता है। सीएम शर्मा इस बात को ध्यान से सुने, खालिस्तान समर्थकों की लड़ाई भारतीय शासन और मोदी से है। ऐसा ना हो कि शर्मा इस लड़ाई का शिकार हो जाएं। अगर असम ले जाए गए अमृतपाल के समर्थकों को प्रताड़ित करने की सोच रही तो इसकी जवाबदेही हिमंता बिस्वा सरमा की होगी। उनका संगठन SFJ जनमत संग्रह के जरिए पंजाब को अलग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि पन्नू को कैसे पता चला कि असम की जेल में क्या चल रहा है, पकड़े गए खालिस्तानियों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, वो बर्ताव अच्छा है या बुरा है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो पन्नू ने हवा में तीर चलाया है और या फिर वो सिस्टम के अंदर तक घुसा है। आपको बता दूं कि आतंकी पन्नू पाकिस्तान के इशारों पर नाचता है, पाकिस्तान से ही इसे फंडिंग मिलती है। बब्बर खालसा भी इसी के इशारों पर काम करता है और बब्बर खालसा से ही अमृतपाल का कनेक्शन सामने आया था। पहले मैं आपको बताता हूं कि SFJ क्या है, इसके बाद बताऊंगा SFJ बब्बर खालसा और वारिस पंजाब दे संगठन का रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। क्या है सिख फॉर जस्टिस? खालिस्तान की मांग आज की नहीं है, ये मांग 1929 से चली आ रही है। इसके लिए अब तक तमाम संगठन बने और खत्म हुए। भिंडरावाला ने खालिस्तान की मांग के लिए सबसे ज्यादा आतंक मचाया था और उस आतंक की भेंट सैकड़ों लोग चढ़े थे। इन्हीं संगठन में से एक है SFJ, मतलब सिख फॉर जस्टिस। इस संगठन की नींव 2007 में पड़ी थी और इसे भारत से शुरू नहीं किया गया था, बल्कि इसे शुरू किया गया था अमेरिका से। इसके मुखिया का नाम है गुरपंतवंत सिंह पन्नू, यही इसका सारा काम धाम देखता है। इस संगठन का मकसद पंजाब को भारत से अलग करना है और अलग टुकड़ों का नाम इन्होंने पहले ही सोच रखा है, खालिस्तान। खालिस्तान का मतलब होता है खालसाओं की भूमि। अक्सर इस संगठन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग के आरोप लगते रहे हैं और कहा जाता है कि ये भी पाकिस्तान का ही प्यादा है, उस पाकिस्तान का जिसके पास अपनी आवाम का पेट भरने के लिए
पैसे नहीं है वो पाकिस्तान भारत को तोड़ने के सपने देख रहा है। जिस पाकिस्तान के कटोरे में कोई भीख डालने के लिए तैयार नहीं वो भारत के टुकड़े करने की सोच रखता है। अब ये खालिस्तान की मांग और ज्यादा तेज इसलिए हो चली है क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को अलग करने का जो एजेंडा चलाया था वो तो खत्म कर दिया गया धारा 370 खत्म करके। इसलिए इसने अपने प्यादे अमृतपाल को दुबई से बुलाया, भारत भेजा और बना दिया वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों अमृतपाल पर हो रही कार्रवाई से पन्नू की छाती पर सांप लौट रहे हैं। अब सुनिए वो वजह जिसके चलते असम के सीएम को धमकी दी गई। 21 मार्च को अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और उसके ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने सरेंडर किया था। इसके बाद उन्हें पंजाब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। असम जेल में बंद अमृतपाल के साथियों के नाम हैं सरबजीत सिंह कलसी, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह गिल और बसंत सिंह। इन लोगों को असम इसलिए भेजा गया क्योंकि यहां रहते तो मिलने वालों का तांता लग सकता था और दंगा भड़क सकता था, क्योंकि अमृतपाल अभी भी फरार है। पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के खिलाफ क्रैकडाउन की शुरुआत की थी। पुलिस के एक्शन में आते ही अमृतपाल फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक के बाद उसके 360 समर्थकों को हिरासत में लिया। हालांकि इनमें से ज्यादातर को पुलिस ने बाद में रिहा कर दिया। उस रिहाई से पहले भी पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था, ठीक वैसा ही अल्टीमेटम जैसा 24 फरवरी के दंगे से पहले दिया गया था जब लवप्रीत की रिहाई करवाई। वैसा ही अल्टीमेटम देकर 348 खालिस्तानी समर्थकों को एक बार फिर से रिहा करवा लिया गया। 360 खालिस्तानी समर्थक पकड़े गए और 348 को छोड़ दिया गया। पंजाब पुलिस अमृतपाल को पंजाब के अलावा दिल्ली, हरियाणा में भी तलाश कर रही है, नेपाल में भी तलाश चुकी है, सारे बॉर्डर सील कर चुकी है, एक एक चप्पा छान चुकी है पंजाब का, लेकिन अमृतपाल नहीं मिला। उसके बाद अमृतपाल एक के बाद एक दो वीडियो जारी कर पंजाब पुलिस की हकीकत को खोल कर रख देता है। अमृतपाल ने वीडियो जारी कर बताया कि वो कहीं नहीं गया, वो पंजाब में ही है। और इस वीडियो में अमृतपाल ने सरबत खालसा बुलाने की भी अपील की। पंजाब के सभी जत्थेदारों को एक छत के नीचे आने की अपील की गई। पहले आपको बता दूं कि सरबत खालसा क्या है, उसके बाद बताऊंगा क्या कहा अमृतपाल ने अपने वीडियो में। असल में सरबत खालसा एक सभा है जिसमें दुनिया भर के सिख संगठनों को बुलाया जाता है। इसके कुछ मामलों पर चर्चा की जाती है और फैसले लिए जाते हैं। इन फैसलों को सभी सिखों को मानना पड़ता है। अमृतपाल ने अपने दोनों वीडियो में सरबत खालसा पर जोर दिया है जो बैसाखी पर होने वाली है या फिर अमृतपाल के इस वीडियो के बाद करवाई जाए। अमृतपाल का मानना है कि सभी एक छत के नीचे अगर सभी जत्थेदार आ जाएं तो खालिस्तान की मांग को और बल मिल सकता है। आपको छोड़े जा रहा हूं अमृतपाल की वीडियो के साथ। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। सरबत खालसा सद्या जाए, मैं सिख संगतां नूं अपील करदा देशां विदेशां दे विचों जिथे जिथे भी सिख संगतां बैठियां ने वह वध चढ़ के सरबत खालसा जिहड़ा विसाखी ते होवे उहदे च हिस्सा पाउण ते उत्थे साडे कौम दे मसलिआं दी गलबात होवे, क्योंकि बहुत लंबे समें तों साडी जिहड़ी कौम है वह वक्ख वक्ख मसलिआं दे छोटे मोटे मोर्चे ला के उलझ रही है। सो सानूं इह चाहीदा वी जे असीं पंजाब दे मसले हल कराउणे आ, जे फड़ो फड़ाई कीती गई नौजवान असीं छडाउणे आ, जिहड़ा हुकूमत ने धक्का किया है प्रधानमंत्री बाजिक वर्गे सधारण सिखां दे उत्ते, क्योंकि उन्हें खंडे वाटी की पॉलिश की सिर्फ इस करके उन्होंने NSA ला के असाम भेजिया, मेरे होर संगियां साथियों असाम भेजा गया, होरनां फड़ के जेलों च तुनिया गया। सो इस करके इस तरह जुल्म है, ये सानू पता तो है भी जिस तरह मार्ग से असं तुरे हाँ उत्थे सारा कुछ सानू सहना पैना, पर ये खिलाफ आवाज़ चुकनी साडा कौमी फर्ज है। सो मैं सारी सिख कौम नूं देशों विदेशों के विच वसदियां नूं अपील करदा हाँ भी जिहड़ा सरबत खालसा विसाखी ते होना चाहिए, जथेदार साहब इस ते गौर करन, क्योंकि जिहड़े आपां जथेदार साहब ने कहा कि आपां वहीरां कढ़ांगे पिंडां जाके लोकां नूं जागरूक करांगे, मेरी जथेदार साहब नूं बेनती है भी लोग बहुत जागरूक ने, लोगों के मन जिहड़ा हुकूमत ने पै खड़ा किया इहनूं तोड़न वास्ते जरूरी है कि जथेदार साहब अगे आ के आप इस सारे कासे की अगवाई करन, होरना समूह सिख जथेबंदियां चाहे वह दल पंथ होण, संप्रदावां होण, टकसालां होण, जिहड़ियां भी सिख जथेबंदियां हैगियां ने उन्हां नूं मेरी अपील है कि वह भी इस सरबत खालसे च वध चढ़ के हिस्सा पाउण। यह सरबत खालसा उहो जिहा सरबत खालसा होना चाहीदा है जिथे एक समय अबदाली ने वड्डा घल्लूघारा कीता सी ते उस तों बाद च सरबत खालसा अकाल तख्त साहिब ते होया सी, उत्थे दरबार साहिब कोई सिख ऐसा नहीं सी जिहड़ा घरां च रहि गया होवे, जिहड़े तुर नहीं सी सकदे वह भी रिड़ दे उत्थे पहुँचे सी। सो मेरी संगतां नूं अपील है
ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ।